फड़िया गया और ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस का शख्स है। नाम क्या है आपका? विकास प्रसाद मंडल। विकास, यहाँ कैसे आए हो आप? सर मैं एक महीने पहले यहाँ पे आया था। हाँ, तो रुपेंदर मेरा दोस्त था और वो उपदेश राणा से जुड़ा हुआ है। और उपदेश राणा जो आरएसएस का मतलब अध्यक्ष है, कोई भी बंदा है वो उसे आरएसएस में जुड़ना चाहिए। अच्छा, तो रुपेंदर को उसने सिखाया कि जो बंदा तुम्हारा है, जो विकास प्रसाद मंडल है, उसको कन्वेंस करो और उसको आरएसएस में जोड़ो। तो आपको ट्रेनिंग क्या दी गई है? ये बोला जाता है बार बार हमें कि जो भाजपा है वही जो है देश का रक्षक है और मोदी है तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। मोदी को मतलब कहने मतलब पूरे देश में भाजपा को लाना है और मोदी को बचाना है। कितने बंदे ने ट्रेनिंग दी थी? कितने बंदे ट्रेड कितने जा रहे हैं? ये 20-25 का करीब 20-25। पैसे मिलते हैं? पैसे सर पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं सर? पैसे कितने मिलते हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आपको मिला है कुछ? आपको पैसे मिले हैं? सर मुझे ये बोला गया था कि वहाँ जाके अगर तुम उनको अपोजिट काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अकाउंट में। तो आपने करना क्या था यहाँ किसान मोर्चे में? क्या आपको क्या बता के भेजा के क्या करना है? वो करना है कि वहाँ पे जाके तुम आंटी कहने का मतलब है कि वो वहाँ जाके वो लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं, मतलब मोदी का जो है वो मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं, वहाँ के जाके बुझा के बोलना है मोदी जिंदाबाद। ये जो आपने लिखे हैं ये क्या है? ये आपने लिखे हैं? जी लिखे तो मैंने हैं, बट जो रुपेंदर है। हाँ, दिखाओ ये दिखाओ। लिखा हुआ है कभी शहीन बाग में कभी बॉर्डर पे, ये क्यों लिखा है? किसने कहा इसको लिखने? ये रुपेंदर ने मुझे पहले लिखवा दिया था उसमें मोबाइल में, देखो जब भी लिखोगे यही लिखना। एक साल करीब। कितने पैसे मिल चुके हैं अभी तक? मुझे एक भी पैसा नहीं मिला था। तो फिर क्यों काम कर रहे हो? अगर पैसे नहीं मिले तो क्यों काम? मुझे ये लालच दिया गया था कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको नौकरी भी हम दिलवा देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी सर क्वालिफिकेशन एमएससी है सर। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो नहीं मिल रही है। तो शाहीन बाग में भी थे क्या आप? जी नहीं, वहाँ मैं नहीं था। तो ये फिर शाहीन बाग का लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है आपने? सर ये जो है उन्होंने रुपेंद्र ने बोला ये लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा पर्ची होगा। और क्या क्या लिखा है थोड़ा ये भी अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आई सपोर्ट फार्मर बिल ये आपने लिखा है, बताओ क्या क्या लिखा है? सर लिखा मैंने है बट सर ये पहले से रुपेंद्र ने मुझे व्हाट्सएप में लिखवा दिया था। क्या क्या लिखवाया है बताओ? आई सपोर्ट फार्मर बिल्स ये लिखना है और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। यहाँ पे आके लगता है कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्या लगता है? सर मुझे यहाँ पे देखिए जिस टाइप से मैंने बिहेव किया यहाँ पे, कोई कहीं और होते हैं तो मेरा तो अभी तक क्रियाक्रम हो जाता, बट यहाँ पे लोगों ने ना मुझे मारा और ना कुछ किया, बल्कि पानी वानी पिला के बढ़िया चाय वाय पिला के बढ़िया से लोग रखे। मुझे ये बताएं प्लीज आप सबको कि आप आज आए तो आपने यहाँ आके किया क्या है? सर मैंने यहाँ आके जो जहाँ पे मंच पे भाषण हो रहा था वहाँ पे मैं ढूक गया, मैं अंदर चला गया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने पर्ची फेंकना शुरू कर दिया। क्या पर्चे थे? पर्ची यही थे, देखिए सर यही सब पर्ची, आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, रोड को खाली करो, सेफ कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ये प्लानिंग किसने की कि क्या करना है वहाँ जाके ये फेंकने है? प्लानिंग किसकी थी? इनडायरेक्टली जो है वो प्लानिंग उपदेश सनाने के थे। वो कौन है? वो आरएसएस का अध्यक्ष। मतलब मैं अपेक्षा कर रहा था 20-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। सर मेरा मोटिव मुझे बोला गया था वहाँ पे जाके कि मोदी जिंदाबाद कहना है। अच्छा, और वहाँ पे जो ये पर्ची में लिखा गया है वो सिर्फ पर्ची फेंकने के लिए बोला गया था। मोदी जी जिंदाबाद कहना है, मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो आपने बोला यहाँ पे आज नारा लगाया था आपने? सर एक दो बार बोला था सर। अच्छा, नारा लगाया यहाँ पे आके? सर आई एम फीलिंग नाउ दैट, अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। गलत किया? यस। ये किसानों के खिलाफ बोलने के लिए आपको कितनी देर से बोला जा रहा था? सर जब से ये धरना हुआ था ना सर, तब से बैरिकेड जो है बगल में है, ऊपर से मैं कूद के आया था। किसी ने मारा पीटा आपको? सर नहीं। कुछ कहा आपको? नहीं। आपको लग रहा है जहाँ ठंड है इतनी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनके खिलाफ जा रहे थे? सर बिल्कुल अब लग रहा है। सर लग रहा है आपको? जिस दिन ये तस्वीर दस रहे हैं कि नौजवान रुपिंदर है ये फोन नहीं उठा रहा? सर फोन तो नहीं उठा रहा। और ये आरएसएस के लिए काम करता है आप कह रहे हैं? पहले लगाए थे, पहले लगा था फिर फोन बंद कर दिया था। कहीं अगर और होते हम तो अभी हम जिंदा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे थे ये लोग अच्छे हैं, तो मतलब ये लोग जो है अंकल लोग जो है वो चाय वाय और वो लड्डू वड्डू खिला रहे हैं। खिला रहे हैं बट लंगर। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो जिस लोगों ने आपसे कहा करने के लिए, आगे करोगे काम आरएसएस के लिए या जो जिसने भी आपसे कहा? सर आगे मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा और यहाँ पे ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलती किया और गलत किया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में और ये लोग जो है मुझे यहाँ पे सही से सुरक्षित से और अच्छे से पेश आए और चाय पानी जिस टाइप से पिलाए,
तो यहाँ से ये लग रहा है किसान, यहाँ के जो किसान है एक्चुअल बहुत मासूम है। सर एक साल से मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक साल से ट्रेनिंग में क्या क्या है? सर मुझे ये बताया जाता था कि कोई भी बंदा मिलता है तो उसे आरएसएस के बारे में बताओ क्या, जैसे कोई भी लड़कियां जैसे मिलती है। अगर मान लो मैं मिला हूँ तो आप, अगर आप मुझे कन्विंस करोगे तो कैसे बात करोगे? मैं आपको ये बोलूंगा आप हिंदू हो, आप क्या बोलते हैं राम का भक्त बनो, आप भाजपा को सपोर्ट करो, जब तक मोदी है तभी तक सब कुछ है, जब तक मोदी है तब तक देश है, अदरवाइज मोदी नहीं तो देश नहीं। तो ये जैसे आप कहाँ पे कन्विंस करते थे लोगों को, जैसे नॉर्मल रैंडमली कोई मिल गया या अपने दोस्त? मतलब चलते चलते कोई मिल गया तो मैंने कन्विंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है कि स्टेप से मतलब हमको बताया गया है कि बताया जाता था कि मतलब बोलने का तरीका भी हमको बताया जाता था कि स्टेप से बोलना ताकि उसे लगे। तो वो उनको पता है कि तुम आरएसएस के साथ या जिसके साथ भी जुड़े हुए? नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता बट सिस्टर को पता है। सिस्टर को पता है? हाँ। तो उससे कभी बातचीत हुई कि ये करने जा रहा हूँ? नहीं, अगर बातचीत होता तो वो भेजने आने देते, कभी नहीं। मम्मी पापा हैं, पापा किसान हैं और सिस्टर है। आखिरी बार रुपिंदर से कब मिले थे? किसान है तुम्हारे पापा और तुमको फर्क नहीं पड़ता? सर बात ये है कि मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ।